सीएए के विरोध में बिगड़ा दिल्ली का माहौल। दिल्ली के कई इलाकों में पथराव और आगजनी। भजनपुरा में शाहदरा के डीसीपी पत्थरबाजी में घायल। उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप को किया आग के हवाले। मौजपुर में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। खजूरी में उपद्रवियों ने पुलिस पर तानी पिस्टल। चांदबाग में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी और आगजनी। चांदपुर में चारों ओर दिख रहा है धुआं ही धुआं। कौन बिगाड़ रहा है दिल्ली का माहौल? नमस्कार, स्वागत है आपका नाइन टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। दिल्ली में सीए के विरोध में माहौल जो है वो बिगड़ा है। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। कई इलाकों में पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। भजनपुरा में शहादरा के डीसीपी पत्थरबाजी में घायल हो गए हैं। हिंसा में गोकलपुरी के थाने के हेड कांस्टेबल की मौत की खबर भी मिल रही है। उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप में आग लगाई है। मौजपुर में भी उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। खजूरी में उपद्रवियों ने पुलिस पर पिस्टल तक तानी है। एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ये सीए को लेकर विरोध जो है वो बढ़ता गया। कल जिस तरीके से देखा गया था कि जाफराबाद में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बैठ गई थी धरने पर, और उसके बाद धीरे धीरे माहौल बिगड़ता गया, और आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं, आगजनी की घटना देखने को मिल रही है, पत्थरबाजी की गई है, पत्थरबाजी में डीसीपी घायल हुए हैं, और अभी जो खबर मिल रही है कि एक हेड कांस्टेबल की मौत भी हो गई है। ये आगजनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। चांदबाग में कई जगह पर पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की गई है। भजनपुरा, मौजपुरा की बात करें, खजूरी इलाके की बात कर ले, वहां भी कमोबेश इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। सीए के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन जो है अब ये प्रदर्शन नहीं रह गए। ये धीरे धीरे हिंसक और उपद्रवियों ने इस प्रदर्शन को एक तरह से कह सकते हैं माहौल बिगाड़ने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। ये तस्वीर एक जगह से नहीं, दिल्ली के कई इलाकों से देखने को मिल रही है, और पुलिस जो है लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को रोका जा सके। कुछ लोग तो इस हिंसा को, इस प्रदर्शन को देखने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से चेहरे पर नकाब बांध कर, रुमाल बांध कर पत्थरबाजी लगातार की जा रही है, और कई ऐसे इसमें युवक हैं जो काफी कम उम्र के हैं। सीए के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। कई जगहों पर उपद्रवियों ने पथराव के साथ आगजनी की है, तो कहीं हिंसा के दौरान फायरिंग हुई है। ये चार तस्वीर हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप में किस तरीके से आग लगाई गई, वहीं पुलिस पर पथराव किया गया है। मौजपुर की तस्वीर, भजनपुरा की तस्वीर, खजूरी और चांदबाग, ये चार जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस पर पिस्टल एक युवक ने यहां पर तान दी, और किस तरीके से चांदबाग का इलाका देखिए, पूरा यहां पर धुआं धुआं होता नजर आ रहा है। आगजनी कितने बड़े पैमाने पर यहां पर की गई है, और सड़कों पर लोग जो है वो उतर आए हैं। हालांकि कहा जा रहा था सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन है, लेकिन क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन को कोई भी कानून क्या ये मान्यता देगा कि इस तरह के प्रदर्शन आप कर सके? क्या लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत भी है? जिस तरीके से प्रदर्शन में आगजनी की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस के ऊपर पिस्टल तानी जाती है, इस शख्स को हम आपको दिखाएंगे। खजूरी इलाके में देखिए जो तस्वीर दिख रहा है कि एक शख्स जो है वो पिस्टल लेकर आगे बढ़ता जाता है, और
पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानी गई है। ये किस तरीके का प्रदर्शन है? सीए को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिले हैं और शाहीन बाग की अगर हम बात करें तो वहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। जो बातचीत चल रही थी शाहीन बाग में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वार्ताकार पहुंचे थे बातचीत के लिए, उन्होंने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शाहीन बाग का चल रहा है। जो रोड की स्थिति, जो जाम लगा है, जो जाम की गई है, वो कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और लोग क्योंकि रोड पर बैठे हैं तो उस वजह से भी जाम है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सीए के अगेंस्ट अगर बात करें। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के दौरे पर हैं, दो दिवसीय दौरे पर हैं, और जब उन्हें भारत आना था, एक तरफ वहां अमेरिका से वो रवाना हो रहे थे, दूसरी तरफ जाफराबाद की हमने तस्वीर भारत में देखी कि किस तरीके से जाफराबाद में भी आंदोलन जो है वो धीरे धीरे उग्र होता गया और कैसे महिलाएं वहां मेट्रो स्टेशन के नीचे जबरदस्ती बैठ गई और बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई और वहां भी शाहीन बाग बनाने की एक कोशिश की जा रही थी। पुलिस वहां पहुंच जाती है, बातचीत की जाती है और उसके बाद बीजेपी के एक नेता कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं और हमने वो सब कुछ, वो ड्रामा देखा किस तरीके से एक दूसरे को धमकाया जाता है पुलिस की मौजूदगी में। कपिल मिश्रा जो बात कहते हैं वो भी हालांकि सही नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन ये तस्वीर आज देखिए, भजनपुरा, मौजपुर, खजूरी, चांदबाग, ये चार तस्वीर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आप कैसे कहेंगे कि सीए के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो इस तरीके के प्रदर्शन को क्या कोई कानून अलाउ करेगा? ये बिल्कुल कतई किसी तरीके से सही नहीं कही जा सकती है। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस पत्थरबाजी को हमने जम्मू कश्मीर में देखा था कि जम्मू कश्मीर में युवा जो है वो पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते थे, अमूमन कह सकते हैं, आज कुछ दिल्ली के कुछ इलाकों में यही नजारा देखने को मिल रहा है कि पत्थरबाजी ठीक उसी तरीके से की जा रही है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में की जाती थी।